हेलो एवरीवन, आज हम पहला अध्याय लेकर आए हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और चिड़िया खाना लेकर के फूर हो गया। यहाँ पर एक बच्चा जा रहा है और बगल से कुत्ता गुजर गया। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चिल्लाकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। क्या कभी ऐसा हुआ है? तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। क्या कभी ऐसा हुआ है? खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या होता है ऐसा, सोचकर बताओ ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर पहला में है कि चील फुर्ती से आकर रोटी ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे फुर्तीला होता है, वो ज़्यादा दूर तक देख सकता है। और यहाँ पर एक बच्चा ऐसे सोए हुए कुत्ते के बगल से गुजरता है तो कुत्ता तुरंत झट से उठ जाता है, क्योंकि उसके कान सोने के बाद भी जगे हुए रहते हैं, हमेशा चौकन्ना रहता है। यहाँ पर यदि जमीन पर कुछ मीठा चीज गिर गया तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है, क्योंकि वह बहुत दूर तक सूंघ सकता है। चींटियाँ जानवरों ने भी देखने सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजीब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो चींटी ने कैसे पहचाना होगा? तो बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो चींटी में भी पहचानने की क्षमता होती है। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कुछ मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। हो सकता है चींटी तुरंत आ गई, थोड़ी देर से आई, उस समय को नोट करके लिखना है। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? नहीं, सबसे पहले एक चींटी आती है, फिर वो अपने साथ झुंड लेकर आती है। चींटी खाने की चीज़ का क्या करती है? पहले तो वह मन भर खाती है, फिर ले जाकर अपने यहाँ स्टोर करके रखती है। वे उस जगह से कहाँ जाती है? वे उस जगह से अपने बनाए हुए जगह घर पे जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ, वे एक दूसरे के कतार में चलती है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। तो जिस जगह पर पेंसिल से या नोक से रास्ता को काटे हैं, उस जगह पर थोड़ा सा रुक करके आसपास का एरिया को देखती है, सूंघती है, उसके बाद अपना रास्ता बना लेती है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। सही बात है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर रेशम कीड़ा है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई मील किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। यहाँ पर देखो एक कुत्ता है, पेड़ के नीचे सूंघ रहा है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक
कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुछ हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल हम अनजान चीज़ों को पहचानने में कर सकते हैं, किसी चोर का पीछा करने में कर सकते हैं, किसी कातिल को ढूंढ सकते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उनके खराब होने का पता चलता है, किस चीज़ के जलने का पता चलता है, ये सब सूंघने की क्षमता से कारण होता है। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनके गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। तो सब कुत्ता उनके गंध से पता पहचान लेते हैं। सुगर क्योंकि वो गंदगी में ही रहती है, ठीक है, तो गंध से भी बहुत सारे जानवर को पहचाना जा सकता है। किन्हीं पांच ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं पांच ऐसे चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी लगती है कौन कौन सा अच्छी लगती है? खाने का चीज़ अच्छी लगती है, स्वादिष्ट चीज़ अच्छी लगती है, साफ़ सुथरा जगह अच्छा लगता है, ठीक है, सेब संतरा मीठा ये सब अच्छा लगता है। और किसका गंध खराब लगता है? तो बदबूदार सामान खराब लगता है, जो फल सड़ गया उस खराब लगता हुआ सड़ा हुआ खाना खराब लगता है, तो सब खराब लगता है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? नहीं, सभी के उत्तर अलग अलग हैं। करके देखो। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं दो लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। ऐसा क्यों? ठीक है, सभी के शरीर से अलग अलग स्मेल निकलता है, इसलिए सभी का सुगंध है अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? आज रजनी की को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी यानी लैट्रिन धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ? एक का लैट्रिन ऐसा बदबूदार नहीं लगा, जबकि दूसरा का बहुत बदबूदार लगा। सुशीला ने अपने बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बनती हैं। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ देख पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाएं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाएं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करें। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो?
चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी आज 8 किलोमीटर की दूर से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती है? मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो ये इन जानवरों के ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कितने तेज है कान? तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवर के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले, इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। इस बार ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी। अपने साथियों से पता करो, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 ईस्वी दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के घर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? और खेल एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी। स्लॉथ
ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। स्लॉथ का जागना। स्लॉथ का सोना अलग अलग तरह का दिखाया। अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखाई हो तो वह ऐसे दिखेगी, बहुत कम सोएगा। छिपकली सर्दियों में यह घड़ी ऐसे दिखेगी, मतलब 24 घंटा छिपकलियाँ सर्दियों में सोया रहेगा। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा? क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडे के सिंह, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जानवरों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करो, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझें? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिका गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। आओ बनाकर कागज़ का कुत्ता बनाएं। इस प्रकार कागज़ का कुत्ता बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार नीचे तरीका दिया हुआ है। तो इतने से ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट भी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।